तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हम सभी लोगों ने क्वीन मेडुसा को अलविदा बोल दिया था और वहाँ से जियान निकल गया था एक नए सफर के लिए। तो इसके आगे क्या होने वाला है उसे जानते हम लोग एपिसोड 74 के प्रीव्यू के माध्यम से। तो प्रीव्यू के फर्स्ट सीन पे उससे पहले मैं आप लोग इस सीन के पहले की स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग इसे समझ पाएंगे। जहाँ पर वो तीनों ब्लैक कॉर्नर रीजन पहुंच चुके थे और जियान और जिया आपस में लड़ रहे होते, तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग जिनन अकेडमी के लोगों को मार रहे होते हैं। तो जियान उन्हें बचा लेते और वो लोग बताते कि वह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है और साथ ही उसके साथ कुछ जिनन एकेडमी के लोग भी हैं। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग यहीं से होती है और हमें एक वैली दिखाई जाती है जहाँ पर दो डीवन वैली के दो डाउविंग लेवल की वॉर खड़ी हुई होती है जो कि हुआ और उसके साथियों को मारने के लिए आए हुए थे। तो हुआ भी अपनी ब्लडी शॉर्ट के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देते, साथ ही जिनन अकेडमी के स्टूडेंट भी डीवन वैली के छोटे मोटे वॉरियर के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे हुआ अकेले उन दोनों डीवन वैली के वॉरियर के ऊपर हमला कर देता जो की अभी के लिए डाउविंग के 4 स्टार पर है और जो हुआ का लेवल है वो भी डाउविंग के 4 स्टार पर ही है। मगर हुआ फिर भी अपनी ब्लडी शॉर्ट की मदद से उन दोनों को एकदम बराबरी की टक्कर देगा और साथ ही हुआ ने अपना मन बना लिया था हम तो सनम मरेंगे पर तुम्हें भी डूबेंगे और ऐसे कुछ हुआ उस फाइट के अंदर करके दिखा देता है और उन दोनों एल्डरों को छट्टी का दूध याद दिला देता है और उन दोनों का काम खत्म करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक ब्लडी शॉट का यूज करेगा जिसमें वो अपनी पूरी ब्लडी दुई की अपनी शॉट के अंदर डाल देता है जिस वजह से वो एक पावरफुल स्लैश अटैक को जनरेट कर पाता है। और हुआ के उस पावरफुल अटैक को देखकर वो दोनों डीवन वैली के एल्डर चिल्लाने लगेंगे और बोलेंगे डीवन वैली के 4th एल्डर जल्दी आओ हमें बचा लो वरना हम लोग निपट लेंगे। और इसलिए जब वो अटैक हुआ को उन लोगों में लगने वाला होगा तभी वहां पर आ जाएगा डीवन वैली का 4th एल्डर और उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेगा क्योंकि वो वॉरियर एक लाइट डाउवांग है और इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योंकि शरीर से तो ये काफी ज्यादा छोटा है मगर इसके हाथ तो कानून से भी ज्यादा लंबे हैं और इसने नाखून तो अपने जन्मों जन्मों से नहीं काटे हैं। और इस बंदी का नाम है सेजेन और हुआ इसको और भी गुस्सा दिला देगा जिस वजह से ये सटे आ जाएगा और हुआ के ऊपर हमला कर देगा। तो हुआ भी इसके ऊपर हमला कर देगा मगर दोनों की पावर में काफी डिफरेंस होता है और इसी वजह से उन दोनों की स्पीड में भी काफी डिफरेंस था। इस वजह से हुआ ज्यादा कुछ नहीं कर पाता उसके अटैकों का और अच्छी खासी धुलाई खाता है। तभी हुआ अपनी तलवार से हमला करेगा सेजेन के ऊपर तो जिसे अपने हाथों से हुआ की तलवार को पकड़ लेगा तो वो अपनी पूरी पावर से शॉट को खींचने की कोशिश करेगा मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। तभी सीजन एक पंच बनाएगा और हुआ में जड़ देगा जिस वजह से हुआ की तलवार उसके हाथ से छूट जाएगी और वो जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरेगा। तो सीजन उस शॉट को लेकर हुआ के पास आ जाएगा और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगेगा और बोलेगा बच्चे सच में बच्चे तू काफी टैलेंटेड है अगर तुझे थोड़ा सा और टाइम दिया कल्टिवेशन का तो तू एक दिन मुझे ही सरपास कर देगा मगर तेरी बुरी किस्मत जो तू आज यहीं पे मारा जाएगा। और साथ ही हुआ की तलवार तान देता हुआ की तरफ और बोलता कि मैं देखना चाहता हूँ अपने वेपन से ही मरता तो उसे कैसा फील होता है और हुआ के ऊपर हमला कर देता। ये सब देखकर जायू और इनर एकेडमी के लोग उसे रोकने की कोशिश करते मगर वो लोग भी जान चुके थे अब हुआ को कोई भी नहीं बचा पाएगा और वहीं पे हुआ भी अपनी आंखें बंद कर लेगा क्योंकि वो भी अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। और यहीं पे वो ब्लडी शॉट हुआ की बिल्कुल गर्दन के पास आ जाती तभी आता है कहानी में ट्विस्ट क्योंकि आसमान से फन आती हुई हैवी रोलर शॉट आती और हुआ की तलवार में लगती जिस वजह से सीजन के यहाँ से वो तलवार छूट जाती और वो जाकर दूर गिरती और वहीं पे आसमान की तरफ देखने लगता है जहाँ पर दुई की विंग्स निकाले खड़ा हुआ था जिनन अकेडमी की सबसे बेस्ट अलायंस का लीडर साथ ही ब्लैक कॉर्नर की नई नवेली जी गेट का लीडर थर्की जियान। और जब हुआ जियान को देखेगा तो जोर से चिल्लाएगा मेरे भाई जियान तुम वापस आ गए बैंड बजा दो सभी की। और यहाँ पे जब जियान नाम सुनेगी इनर एकेडमी के लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे मगर जियान की एंट्री के साथ ये प्रीव्यू का सीन यहीं पे खत्म हो जाता है मगर ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म नहीं होगा और इसके आगे क्या होता है उससे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग को ये पूरा एपिसोड डिटेल के अंदर देखना तो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो को जरूर इंतजार करें जिसके अंदर मैं सभी चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि प्रीव्यू से पहले काफी सारी चीजें होती जो कि शायद एपिसोड के अंदर भी ना दिखाई जाए मगर मैं अपनी नोवेल की वीडियो के अंदर बताऊंगा जहाँ पर जिया और जियान लड़ेंगे और वो लड़ाई पिलो के ऊपर होती है जहाँ पर जिया जियान से हिसाब मांग रही होती है अपनी पिलो का क्योंकि उसने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी है और साथ ही उसने जियान को भी फाइट में पिल दी थी। तो जब जियान टोटल पिलो को सुनेगा तो एकदम शॉक हो जाएगा क्योंकि जियान ने 10 गुना ज्यादा पिल मांगी थी जितनी जियान को देनी थी इस वजह से वो दोनों आपस में लड़ बैठेंगे। और प्रीव्यू के बाद हमें जियान दिखाई देगा जो कि उस एल्डर से फाइट करेगा और उसे बुरी तरीके से पीटेगा मगर वो सही टाइम पर वहां से भाग जाएगा मगर तभी उसमें एक चमाट पड़ेगा जिस वजह से वो सीधा जाकर जमीन पे गिरेगा और जो भी चांटा मारेगा वो जियान को सॉरी बोलेगा क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके एक ही चांटी के अंदर ये बंदा निपट जाएगा। और क्या आप लोग बता सकते कि उसकी चांटा किसने मारा है जिससे एक ही चांटी के अंदर एक लाइट डाउवांग मर गया? अगर आप लोग जानते तो कमेंट करके बताओ अगर नहीं जानते तो फिर टाइम नोट कर लो 9 बजे कल मिलता हूँ आपसे जहाँ पर नोवेल की वीडियो के अंदर बताऊंगा किसने चांटा मारा है वो। और साथ ही आप लोग ये जानना चाहते हो कि क्वीन मेडुसा के जो रोमांटिक सीन होते जियान के साथ वो स्टूडियो क्यों नहीं दिखाता उस पर स्टूडियो ने क्या बोला है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए बाय।